नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में बड़ा खेल हो गया है। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार का नाम नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए प्रस्ताव में रखा है। दरअसल हम लगातार ये कहे जा रहे थे कि खबरें आ रही है कि ललन सिंह इस्तीफा देने वाले, लेकिन जेडीयू, आरजेडी और कई नेता इस बात को अफवाह बता रहे थे, लेकिन न्यूज 24 की इस खबर पर मुहर लग गई है और ये बात सच हुई। ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आज इस मुद्दे पर जो तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं आपको वो सुनवाते हैं। आदरणीय ललन बाबू ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है और चूंकि वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, अभी सांसद भी हैं, तो वो पार्टी को उतना वक्त नहीं दे पाएंगे जितना पार्टी को समय आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने इसका प्रस्ताव उन्होंने रखा है, जिससे राष्ट्रीय कार्य समिति ने सर्वसम्मत समर्थन दिया है, सभी लोगों ने हाथ उठाकर के समर्थन दिया। देखिए, जेडीयू बिहार की पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है, उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ और फिर से नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको तो ये ख्वाब दिखाया गया था कि वो एनडी अलायंस के संयोजक बनेंगे, उनको ख्वाब दिखाया गया था कि वो विपक्ष के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे, कुछ नहीं बनाया उनको। बीजेपी जेडीयू की सरकार चल रही थी, बिहार में अच्छा काम हो रहा था, उद्योग रोजगार में काम हो रहा था, हमें छोड़कर वो गए थे आरजेडी की तरफ, लेकिन आरजेडी ने उनको अच्छा सिला दिया, उनको जो वादा किया उसे तोड़ दिया। अब जब एनडीए अलायंस के संयोजक नहीं बने तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बन गए अपनी अपनी पार्टी के। सब अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। यहां तक कि खबर ये भी आई थी कि ललन सिंह को लोकसभा चुनाव लड़ना था, वो खास ध्यान नहीं दे पाते इसलिए उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा दी। लेकिन असल सच क्या है कि ये एक छोटा सा बदलाव है या फिर इसके पीछे भी कोई रणनीति, तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक गजेंद्र मुन्ना जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार जी, आरएलजेपी राष्ट्रीय सचिव मयंक मौनी जी, आरएलजेडी प्रवक्ता राहुल कुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सौरभ जी का रुख करना चाहूंगी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता का। सौरभ जी, आरजेडी जेडीयू लगातार इस बात को अफवाह बता रही थी कि ललन सिंह इस्तीफा नहीं देने वाले, हालांकि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, हम लोग लगातार यह खबर चला रहे थे। जी बिल्कुल, हम लोग लगातार यह खबर दिखा रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने 5 दिन पहले, कल हमने 4 दिन बोला था, परसों हमने 3 दिन बोला था, आज मैं कह रहा हूं कि 5 दिन पहले ही ललन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री आवास जाकर उन्होंने मुलाकात की थी और उसी दिन उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश मुख्यमंत्री के सामने कर दी थी। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि चूंकि मैं खुद एक उम्मीदवार हूं और मैं उतना समय नहीं दे पाऊंगा, एक साथ मैं दो जिम्मेदारी नहीं निभा सकता हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है वो मैं छोड़ दूं और अपना पूरा ध्यान जो है वो लोकसभा चुनाव पर दूं, वो क्योंकि मैं खुद एक उम्मीदवार हूं। हम लोग लगातार ये खबर चला रहे हैं, आज उस पर मुहर भी लगी है। आरजेडी की और जदयू की अपनी अपनी परेशानी है, जब तक चीजें होगी नहीं तब तक वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक पार्टी की प्रतिनिधि के तौर पर हमारे सामने आते हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन आज वो जरूर, हमारी जो खबर चल रही थी पिछले 2-3 दिनों से, आज वो जरूर इसे स्वीकार करेंगे। और हमने कल भी कहा था कि कोई बड़ा खेल होने वाला नहीं है, खेल जो होगा वो हो चुका है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का इस्तीफा हो चुका है और नए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो नीतीश कुमार बन चुके हैं, तो एक बार फिर से पार्टी की पूरी जो कमान है वो नीतीश कुमार के हाथों आ गई है,
हमने पहले भी बोला था कि जब नीतीश कुमार इससे पहले दिल्ली गए थे, सभी अपने सांसदों से उन्होंने मुलाकात की थी, तो उसी में कुछ सांसदों ने उनको ये कहा था कि हम लोग यही चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप अपने हाथों में कमान ले लीजिए, आप तय कीजिए कि पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, आप तय कीजिए कि उम्मीदवार कौन होगा, और जब आप तय कीजिएगा और आप अपने हाथों में भी जिम्मेदारी ले लीजिएगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी, पार्टी में कोई भी असंतोष नहीं होगा और हम लोग पहले से ज्यादा अच्छा करेंगे। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि सारी चीजें जो है वो अचानक हुई है, नीतीश कुमार ने फैसला जो है काफी सोच समझ कर लिया है और सभी नेताओं के बातचीत के आधार पर यह फैसला लिया गया है। जी जी अरुण जी, आप लगातार कह रहे थे कि अफवाह है, मीडिया अफवाह फैला रही है, गोदी मीडिया बहुत कुछ कह रहे थे आप, लेकिन ललन सिंह ने तो इस्तीफा दे दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? अरुण जी म्यूट पे है माइक, अरुण जी आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक म्यूट पे है। देखिए सभा जी, जी जब तक आधिकारिक बातें या आधिकारिक बयान सामने नहीं आ जाते हैं तब तक कैसे आप मान सकते हैं? कयासों और सूत्रों के हवालों से जो खबर लगातार चलाई जा रही थी तो उस पर तो हम लोग मोहर लगा नहीं सकते, और लगातार जदयू के बड़े नेता, राष्ट्रीय जनता दल जदयू हो, जदयू के तमाम नेता और खंडन लगातार कर रहे थे, तो आज तो स्पष्ट हो गया, कार्यकारिणी की बैठक हुई, कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ, वहां उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमान संभालने का निर्णय लिया, और बधाई है उनको अब अध्यक्ष बनने के लिए और पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को। तो इसमें नई बात क्या है? 2024 का चुनाव है, 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से राजनीतिक समीकरण गढ़ते हैं और गढ़ेंगे, उसमें कहीं कोई नई बात नहीं है, और रूटीन प्रक्रिया थी और उनका तो कार्यकाल संपन्न हो चुका था। आदरणीय ललन सिंह जी, अरुण जी ललन सिंह का कार्यकाल जो है वो संपन्न नहीं हो चुका था, जुलाई 2024 तक उनका कार्यकाल था, 2021 जुलाई में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, 3 साल का कार्यकाल होता है जो कि जुलाई 2024 में, ऐसा कि 2 साल का कार्यकाल नहीं 2 साल का नहीं अरुण जी, 2 साल का नहीं अरुण जी, जदयू में 2 साल का नहीं, 3 साल का कार्यकाल होता है। आप 3 साल का, लेकिन बीच में जो आरसीपी सिंह मिनिस्टर बनने के बाद बने हैं ना, ये तो जोड़ा जाए तो ये 3 साल हो गया आरसीपी। अरुण जी जुलाई 2021 में ये बने हैं, ललन सिंह जुलाई, इस बात को मान रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, मतलब सौरभ जी हम आपके बातों को काट नहीं रहे हैं, लेकिन ये जो टर्म आरसीपी सिंह का टर्म पूरा नहीं हुआ था, आरसीपी सिंह जब बने थे उसको जोड़ देंगे, तो आरसीपी सिंह से क्यों जोड़ेंगे, आरसीपी सिंह से क्यों जोड़ेंगे, वो अलग थे, ललन सिंह अलग हैं। नहीं मान गए, टर्म को जब देखेंगे तो आरसीपी सिंह जब बने थे तो वो टर्म 3 साल अब पूरा हो रहा है 21 जुलाई को, तो अब जो भी हो आंतरिक अब संवैधानिक क्या है उनका, वो तो उनका आंतरिक मामला है। हाँ, में देख रहे हैं इस तरीके से सारी बातें आ रही है, और ऐसे भी स्वतंत्र है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की परिषद, तमाम कमिटियां स्वतंत्र हैं, कभी भी कोई अपने दल के संगठन में और फिर कर सकते हैं, फिर बदल कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, उसमें कहां कोई नई बात। लेकिन अरुण जी अब तो ये भी तय हो गया ना कि मुख्यमंत्री और ललन सिंह के बीच नाराजगी भी थी, और बीजेपी बार बार जो आरोप लगा रही थी कि इधर कुछ महीनों से
ललन सिंह की नजदीकियां आरजेडी से बढ़ रही थी, ये नाराजगी की मुख्य वजह थी मुख्यमंत्री की, तो इस पर भी मुहर लग गया अब। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, इसको नाराजगी से क्यों जोड़ेंगे भाई, अब चुनावी वर्ष है, सबकी जवाबदेही तय करना वो पार्टी का आंतरिक सवाल है। और जहां तक नजदीकी का बात है तो हमारे बिहार में बिहार के महागठबंधन के बड़े नेता हैं, लीड कर रहे हैं महागठबंधन को आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी, हमारे महागठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं, और यहाँ गठबंधन में सरकार चल रही है, नजदीकियां तो है ही। उसके बाद इंडिया गठबंधन का भी जो गठन हुआ है, इंडिया गठबंधन के भी सूत्रधार हैं, तो नजदीकियां तो 28 दल के तमाम जो भी इंडिया गठबंधन में है आज के तारीख में, पहले से तो हम लोग महागठबंधन में थे ही 22 अगस्त 2022 से ही, 9 अगस्त से ही, तो फिर इसमें नजदीकी दूरियों का क्या सवाल है सौरभ जी। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है अरुण जी, अरुण जी अभिषेक जी आपके पास आते हैं, आप बोल रहे थे ये नॉर्मल बैठक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, हर साल होती है, कुछ नहीं होगा, लेकिन इतना बड़ा फेरबदल आपके पार्टी के अंदर हो गया। सबसे पहले न्यूज 24 बिहार झारखंड के तमाम हमारे पैनलिस्ट और सभी को प्रणाम करते हैं, और उसके बाद सबसे पहले आज खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार वो ग्रहण किए हैं, उनको बधाई देता हूं, और साथ साथ पूरे बिहारवासी खुश हैं। देखिए कि जैसा कि सौरभ जी हम बता रहे थे, आपका प्रश्न था कि आप बता रहे थे, तो कोई भी पार्टी हो सबका एक अपना, कोई भी चीज जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक पार्टी के कोई भी, आप ही बताएं अभी जस्ट कुछ देर पहले बोले, मैं समझ सकता हूं कि तब तक आप कुछ भी नहीं बोल सकते, वो एक नॉर्मल सी बात होती है जो सभी पार्टी के बाध्यता होती है, पार्टी के तरफ से बाध्यता होती है, मजबूरी होती जी, बिल्कुल मजबूरी होती है कि कुछ भी नहीं बोल सकते हैं जब तक क्लियरली वो इसमें बैठक में नहीं हो जाए। अभी भी जैसे देखिए कि अभी हो गया है, तो अब हम लोग बोल रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं नीतीश जी को, और हमारे सर्वमान नेता नीतीश जी हैं, तो इसमें कोई दो मत नहीं है, और खुशी की बात है। खुशी और जश्न अभिषेक जी, ये खुशी और जश्न का मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। खुशी और जश्न देखिए, अगर अच्छे थे वो चले गए और चले नहीं गए, वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे सांसद हैं, और अभी चुनाव है, जैसा कि आप सौरभ जी जान रहे 2024 में चुनाव है, अब संसदीय क्षेत्र को देखेंगे, और बड़ा सा हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, उसको कहाँ कहाँ कैसे देखना है, उनके लिए तो हर जगह समय चाहिए, तो इसीलिए वो अपने संसदीय क्षेत्र में समय दें, और फिर चुनाव का जैसा कि बिगुल बज चुका है, तो चुनाव में वो लगेंगे, मुंगेर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, तो पार्टी को कम समय दे पाते, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा, बहुत दिन से नीतीश जी को बोल रहे थे कि इस्तीफा देना चाह रहे थे, लेकिन अब नीतीश जी खुद संभालेंगे पदभार, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद। चलिए मनोज जी आपके पास आते हैं, आपको ये लॉजिक समझ आता है कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है, मैं एक खुद उम्मीदवार हूँ, मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, और उसी वजह से उनका इस्तीफा मंजूर भी हो जाता है? देखिए लॉजिक तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है, और जैसा कि आपने अभी कहा कि इसलिए और भी समझ में नहीं आ रहा है कि मनोज जी पटाखे। जी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है क्या? जी जी बिल्कुल आ रही है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये लॉजिक बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके हटने के बाद में ईडी के पार्टी ऑफिस में पटाखे छूट रहे हैं, जैसा कि आपने कहा और न्यूज में भी आया है, तो ये ऐसा एक भावना ये दिखा रहे हैं जैसे कि उनसे मुक्ति मिल गई हो। बहुत से सांसद हैं जो कि लीड लेते हैं और इलेक्शन ऐसा कोई बैरियर नहीं रहता है कि वो कोई इम्पोर्टेंट पद छोड़े। दूसरा, इनकी पार्टी का भी शायद प्रावधान है एक नेता एक पोस्ट का, तो सीएम रहते हुए अभी जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अध्यक्ष का भी कार्यभार संभालेंगे, और क्या हम ऐसा मान लें कि वो अब इस लायक नहीं है कि वो चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि एक सांसद से ज्यादा जिम्मेवारी एक मुख्यमंत्री पे होती है, तो क्या मुख्यमंत्री को समय है कि वो प्रचार करेंगे, और एक सांसद को ऐसा समय नहीं कि वो प्रचार करे,
इसलिए ऐसी भ्रामक बातें ये लगातार करते हैं, जबकि देखिए बहुत दिनों से इनकी पार्टी की हालत खराब है और 2010 से इनका देखिएगा जो वोट रेशियो है लगातार 2-4% के हिसाब से हर बार घटते जा रहा है और इनकी सीटें सिमटती जा रही है और इस बार पता नहीं कि ये दहाई तक भी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि इनकी पार्टी जो है अंतर द्वंद में जी रही है, विचारधारा कुछ है जुड़ी हुई किसी और से है, जनादेश किसी और के साथ लिया, शासन किसी और के साथ कर रहे हैं, कभी भी कंफर्टेबल ये पार्टी रही नहीं रही है और तरह तरह के नुक्से निकाल रही है अपने सर्वाइवल के लिए, जिसमें एक इंडी अलायंस का भी जो कॉन्सेप्ट था, आप समझ सकते हैं कि इंडी अलायंस का कॉन्सेप्ट बिहार में तो जरूरी भी नहीं था, बिहार में तो ऑलरेडी वो पार्टियां साथ में है और किस तरह से ये प्रधानमंत्री बनने का बोलते कि हम सपना नहीं देख रहे थे तो फिर क्या जरूरत थी, क्योंकि देखिए आरजेडी का तो कोई वैसा रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट पे था ही नहीं, जीरो था, इनका भी जो था वो भाजपा के भरोसे ही था, तो क्या सोच के इंडी अलायंस को लीड करने का सोचे और ये सब नाटक कर रहे हैं कि हमको जगह नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। भाई आप प्रदेश को चलाने की तो अहमियत रखते नहीं है, आपके 43-46 जो भी MLA हैं आप हमेशा छोटे सेगमेंट में रहते हैं और मुख्यमंत्री का सीट चाहते हैं, तो भाजपा जैसी एक संगठित राष्ट्रीय पार्टी उस बात को बर्दाश्त कर सकती है, सहन कर सकती है, लेकिन एक क्षेत्रीय पार्टी RJD जैसी जो पार्टी है वो कितना दिन तक इंतजार करेगी, वो पार्टी चाहती है कि उसके नेता जो है वो मुख्यमंत्री बने और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, वो बड़ी पार्टी है तो क्यों नहीं चाहेगी कि भाई उसका नेता ही मुख्यमंत्री बने, तो नीतीश जी क्यों रोड़ा अटका रहे हैं, तो RJD एक रास्ता खोज रही थी और वो ललन सिंह के रूप में उनको मिला था बहुत बढ़िया रास्ता, और अभी तो जितने अफवाह हैं सही हो रहे हैं, तो एक अफवाह और भी है कि कुछ विधायक ललन सिंह जी के नेतृत्व में टूट के RJD में मिलने वाले हैं, हो सकता है कि अभी ये लोग उसका खंडन करते रहे और एक आध सप्ताह में आपको खबर मिले कि एक टूट बड़ी टूट जो है जदयू में हो गई और पार्टी के जो मुख्य जिनके जो गठबंधन के हैं वो मुखिया कोई और बन गए, तो इतना ही लोग सस्पेंस बना के रखता है, जैसे बताया कि भाई कोई भी चीज जो अनाउंस नहीं होगा तो कैसे बताएंगे, लेकिन जो संभावनाएं रहती है उसकी कुछ बात तो आप बता ही सकते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी राहुल जी अगला सवाल आपसे है मेरा, वजह क्या आपको लगती है नीतीश कुमार और ललन सिंह में आखिरकार क्या हो गया अचानक, जो उन्हें ललन सिंह को हटाना पड़ा और खुद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पड़ा। सौरभ जी जैसे अभी अभिषेक जी ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि नीतीश कुमार जी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, मुझे लगता है कि जब हम लोगों ने पार्टी छोड़ी थी इसी साल मार्च के महीने में, उस समय से या उसके पहले से हम लोग ये बात अलग अलग मंचों पर और आपके यहाँ भी हम लोगों ने कई बार ये कहा था कि नीतीश कुमार जी की पार्टी की जो स्थिति है वो ललन सिंह जी जिस तरह से पार्टी को चला रहे थे उसमें 2-3 फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता विधायक सांसद जिस तरह से दिल्ली में मुलाकात हुई सांसदों से, उसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो भी सांसद मिले थे वो बगैर ललन सिंह जी के मिले थे, ललन सिंह उसमें बाद में शामिल हुए थे, और 1-to-1 जो विधायकों के साथ भी जो मीटिंग हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी की और कार्यकर्ताओं के साथ भी जो बैठक हुई थी उससे बहुत स्पष्ट हो गया था कि कार्यकर्ता इस फैसले से बेहद नाखुश थे, वो बिल्कुल उनका जो वोट का जो समीकरण है जो अभी जैसे मनोज जी ने कहा कि भाई जो विचारधारा है और वो है कहीं और, तो आपको याद होगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक हुई थी पटना में कर्पूरी भवन में, उस कर्पूरी भवन में नीतीश कुमार जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि ललन जी और बजेंद्र यादव जो बिजली मंत्री हैं उन दोनों पर उनका नाम लेकर के कहा था कि आप अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करिए कि ये फैसले क्यों लिए गए, ये फैसले आपके दबाव में लिए गए हैं, आपके कहने पर लिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो चीजें बदली, जो हाल के दिनों में जो आपने देखा उसमें कई बार आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी का रिएक्शन बाद में आया किसी मसले पर, और ललन जी ने बहुत खुल करके लालू परिवार को भ्रष्टाचार से लेकर के तमाम मुद्दों पर न सिर्फ समर्थन किया बल्कि ललन जी कई बार उनके घर पर भी गए और एक तरह से पूरे जदयू को कैप्ट रख दिया उन्होंने RJD के हाथ में, और ये कार्यशैली नीतीश कुमार जी नहीं पसंद करते हैं। नीतीश कुमार जी एक फ्रीडम के साथ पार्टी को चलाने देना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को, लेकिन हाल के दिनों में ऐसा देखने को मिला कि ललन जी
अपने ही पार्टी के को एक तरह से कहिए कि आरजेडी के साथ फैसले दिलवाने में सहयोग कर रहे थे, और इसका एक बहुत पुख्ता आपको सबूत भी है कि आज सौरभ जी जैसे ही ललन जी का इस्तीफा आता है, खबरें फ्लैश होती है, 10-15 मिनट के भीतर एक दूसरी खबर फ्लैश होती है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का विदेश दौरा रद्द हो गया है। आप समझिए कि क्या कनेक्शन था। ललन सिंह जी एक अलग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से छोड़ रहे थे तो इसका प्रभाव तेजस्वी यादव के विदेश नहीं, दोनों राहुल जी दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, बिल्कुल अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन जिस तरह से ललन सिंह ने पूरी पार्टी को आरजेडी के हाथों में सौंपने का काम किया था, तो जो एडवांटेज तेजस्वी यादव को मिल रहा था, आज वो परिवार वो दल बिल्कुल सॉक्ड है, और उसको इस बात की आशंका है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में नीतीश कुमार जी और ज्यादा कड़े फैसले कर सकते हैं, जो राजद परिवार के भ्रष्टाचार और परिवारवाद का जो पूरा खेल पिछले एक साल से चल रहा है बिहार के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं बहुत सख्ती से उस पर लगाम लगाया जाएगा। चलिए राहुल जी, मयंक मौली से सवाल ले लेते हैं। मयंक मौली जी, जो जेडीयू में बदलाव हुआ है, ये साधारण सा बदलाव है या कोई खास रणनीति? देखिए, मैं हम तो यही कहना चाहेंगे कि आखिरकार वही हुआ है जिसकी रीत हमेशा से चली आ रही थी। हमारे मुख्यमंत्री जी का मन एक बार फिर से अपने साथी गठबंधन से बैरागी हो चला है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद आज के दिन में एक शापित पद बनकर रह गया है, जिसकी फेहरिस्त काफी लंबी है, और श्री ललन सिंह जी के इस्तीफे के बाद लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है। हमने तो पहले ही कहा था कि खंड खंड गुटों में बटे जदयू में अलग अलग धड़े एक दूसरे को निपटाने में कब से लगे हुए थे, और अगर आज माननीय मुख्यमंत्री चेक बैलेंस की भूमिका में स्वयं नहीं आते तो उनकी गिरती राजनीतिक साख और रसूख की तरह उनका दल भी अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता खो बैठता। बहरहाल, ये देखना दिलचस्प होगा कि नए साल की शुरुआत में ही नीतीश कुमार जी के कथित राजनीतिक उत्तराधिकारी और आज के वर्तमान के डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी, जिनका 5 जनवरी को ईडी के समक्ष मामला लंबित है, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी की चर्चित अंतरात्मा पुनः जागृत होती है या नहीं, जिसकी की हमने बांगी 2017 के चुनावों में देखी थी। आज जब श्री ललन सिंह ने जब इस्तीफा दिया है तो उन्होंने अपनी जो कहिए कि चुनावी व्यस्तता को लेकर व्यक्तिगत अनुपलब्धता जताई कि हम ऐसा चुनाव में जा रहे हैं तो शायद हम उस पर पूरा कार्य ना कर पाए, तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी फिर जो है, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो देश के अगले प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, तो क्या वो अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं? तो फिर ये फूलपुर और वाराणसी की जो अटकलें जो लगाई जा रही थी, क्या उनका कोई मतलब नहीं है? क्या ये मान लिया जाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार पुनः वापस घर वापसी करने का मन बना रखा है? और इन्हीं सारी अटकलों के बीच में जो बीच में पिछले विगत 3 दिनों से जो लगातार जदयू की तरफ से जो बयान हम देख रहे थे कि हर कोई बातों को सिरे से नकारने में लगा था, इवन आज सुबह भी 1 घंटे पहले भी कहिए कि चौधरी जी ने बकायदा कहा कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, कोई इस्तीफा नहीं हो जा रहा है, तो वो मैं समझ सकता हूँ कि उनकी बाध्यता रही होगी, लेकिन मीडिया पे ठीकरा फोड़ देना, मीडिया को गोदी मीडिया कह देना कि आप अमित शाह और भाजपा के कहने पर आप ये सब खबरें चला रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं से कहिए कि एक इमेच्योर बयान साबित हुआ उन लोग का, और आगे क्या होता है वो तो भविष्य के घर में है, बट हमें चिंता यह है कि कहीं इनका जो दूरगामी परिणाम जो है ये कहीं 2017 की तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री नहीं लौट रहे। जी, ये नीतीश कुमार मतलब जो जेडीयू में जो बदलाव हुआ है, ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है इस बात की? जी बिल्कुल, अगर नीतीश कुमार के हाथों में बागडोर एक बार फिर से पूरी कमान आ गई है तो ये सच है कि नीतीश कुमार अब पहले से ज्यादा मजबूत और ताकतवर बन गए। तो निश्चित रूप से चाहे इंडिया गठबंधन की बात हो, महागठबंधन की सरकार की बात हो, या फिर एनडीए की बात हो, सभी से जो वो बातचीत करेंगे तो वो पहले से ताकतवर ज्यादा हो चुके हैं, उनकी ताकत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। अब वो मुख्यमंत्री भी हैं और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो निश्चित रूप से अगर वो किसी भी दल के साथ बार्गेनिंग करेंगे तो ज्यादा मजबूत बन के करेंगे। अब ये जो चर्चाएं चल रही है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, गठबंधन बदलेंगे, फिर से एनडीए के तरफ जाएंगे, तो मुझे लगता है इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल जो हम लोग 3-4 दिनों से जो खबरें दिखा रहे थे, जो लोग अपने दर्शकों को बता रहे थे, आज उस पर मुहर लग गई है। 5 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पार्टी की, उसमें औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा कि
नीतीश कुमार जदयू के नए जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। अभिषेक जी, मेरा सवाल आपसे ये है, अभिषेक जी मेरा सवाल ये है कि इसके पहले भी नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और उन्होंने पद को छोड़ा भी था, और मुझे याद है जहां तक जिस दिन उन्होंने पद छोड़ा था उस दिन उन्होंने हवाला ये दिया था कि चूंकि मैं मुख्यमंत्री हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों पद संभालना ठीक नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं मुख्यमंत्री ही बना रहूं क्योंकि मैं दोनों तरफ अपना ध्यान जो है वो बांटना नहीं चाहता हूं। तो फिर तो बात वही की वही आ गई, आज वो मुख्यमंत्री हैं और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। यानी कि आप ही तय करते हैं कि पार्टी का संविधान क्या होगा, आप ही तय करते हैं कि पार्टी की नीति क्या होगी, पार्टी का सिद्धांत क्या होगा। ये सब केवल कहने और सुनने की बातें होती है कि एक पद एक उम्मीदवार या एक नाम एक उम्मीदवार। देखिए सौरभ जी, जहां तक जनता दल यूनाइटेड की बात है तो आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि हमारे सर्वोच्च नेता जनता दल यूनाइटेड मतलब है नीतीश कुमार, यानी कि वही सर्वोसर्वा हैं हमारे, और उन्हीं का जो वो बयान जो फैसला लेते हैं हम लोग उनके साथ रहते हैं, हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं हम लोग उनके साथ हैं, उनके फैसला में हम लोग साथ हैं। मतलब पार्टी का सिद्धांत का नाम ही है नीतीश कुमार? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, जो भी पार्टी का पार्टी की सिद्धांत जो है नहीं, वो सब बिल्कुल पार्टी कहने और सुनने की बात है। नहीं नहीं नहीं, नीतीश कुमार जो कहे वही सही, जो नीतीश कुमार करते हैं वही संविधान। सौरभ जी, जो संविधान है उसी के अनुसार नीतीश जी चलते हैं और लगातार चल रहे हैं। और हम मनोज जी का एक जवाब, मनोज जी बता रहे थे कि जो है सो भाजपा जो है सो बीजेपी भाजपा के गठबंधन में, तो हम आपको बता दें 2005 हो 2010 हो आप देख लीजिए आपकी सीट क्या थी हमारी सीट क्या थी, आप देख लीजिए 2005 में हम लोग जो है सो 88 सीट पे जीते थे 22 पर। सुनिए पहले सुन लीजिए मनोज जी, सुन लीजिए बात को, आप जो है ना हम भी परसेंटेज भी आपको बता रहे हैं। नहीं नहीं अभिषेक जी, आज वो मुद्दा नहीं बता रहे हैं, 63% हम लोग जीते थे 2005 में, आप 53% जीते थे। अभिषेक जी, हम लोग तो आपको पैदा करने के लिए भाजपा को जो है सो यहाँ पे फलने फूलने का काम हमारे नेता किए। अभिषेक जी ये बताइए मुझे, अभिषेक जी मुझे ये बता दीजिए, नीतीश कुमार बन गए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी पहले से कितना ज्यादा मजबूत हो गई अब, और कितना फायदा होगा आप लोगों को 2024 में? 2024 में हम लोग रणनीति बना करके चुनाव लड़ रहे हैं, और जिस तरह से आप देख रहे हैं जो माहौल है देश में, अभी बेरोजगारी की बात करें आप, महंगाई की बात करें, तो मौन चुप्पी साथ देते हैं, मुंह में दही जम जाता है भाजपा के प्रवक्ताओं को। और हम लोग मुद्दे पे अभी बिहार में जितना काम हो रहा है आप देख रहे हैं सौरभ जी, लगातार आप भी कई बहस करवाए हैं, नौकरियों पे करवाए हैं, बीपीएससी पे करवाए हैं, लगातार हम लोग नौकरी दे रहे हैं, चाहे पैरामेडिकल में हो चाहे वो शिक्षक में हो। और अभी मार्च में हमको लग रहा है कि जो लाइब्रेरी जो बिलिस एमलिस किए हैं उसके लिए बहुत सारी नौकरियां आ रही, तो नौकरियां तो हम लोग एकदम दे ही रहे हैं और काम कर रहे हैं, बिहार काफी आगे बढ़ रहा है। तो इसी में इसके नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर के तो नेता हैं, ये आपको भी पता है सौरभ जी, और जितने भी हमारे अतिथि हैं डिबेट में सबको पता है कि नीतीश जी का चेहरा अभी तक कोई ना भ्रष्टाचार का आरोप लगा, ना कहीं कोई हिंसा, ना कोई कोई मोदी जी की तरह नहीं गोधरा में कांड करवा के आए हैं, ये स्वच्छ छवि के नेता हैं। और राष्ट्र अगर अभी भारत में अगर डिमांड है तो नीतीश जी का डिमांड है, जहां जहां चाहेंगे वहां लड़ेंगे और वहां भाजपा को हराएंगे। मनोज जी अच्छा राहुल जी बोलिए जी, या मनोज जी एक मिनट सर, जैसे जदयू जो है अभी अभी आपने पूछा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने की जो एक जरूरत महसूस हुई, तो आखिर नीतीश कुमार जी ही क्यों बने? देखिए अगर कुछ दिन ललन सिंह और पार्टी के अध्यक्ष रहते तो मैं आपको ये एहसास दिला सकता हूँ, एक कार्यकर्ता के तौर पर भी, मैं उस पार्टी में रहा हूँ और ललन सिंह जी से कई बार मिलने का मौका भी मिला है पार्टीगत काम के लिए, उनका जो बेहद गैर जिम्मेदाराना व्यवहार होता है कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, विधायकों से, मंत्रियों से, सांसदों से,
वो पार्टी में एक पुल का काम करते हैं नीचे कार्यकर्ता से ऊपर तक में सरकार के बीच में, वो काम ललन सिंह जी कब का भूल चुके थे। नीतीश कुमार जी एक प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी को किसी तरह से कंसोलिडेट करके संभाला जा सके, नहीं तो आने वाले सालों में ये पार्टी बहुत तेजी से खत्म हो जाएगी। और पिछले दिनों भी जिन लोगों ने भी पार्टी छोड़ी है उन लोगों को अगर आप सुनेंगे तो साफ साफ कहेंगे कि ललन सिंह जी की पार्टी चलाने का जो तरीका था बहुत रूढ़ और अव्यवहारिक तरीका था, और उसकी वजह से पार्टी के अंदर बहुत विद्रोह की स्थिति थी। और अगर पार्टी को अगर आज नीतीश कुमार जी संभाल रहे तो एक दूसरा कारण ये भी है कि आज उनके पास एक दूसरा विकल्प भी नहीं है, सेकंड जनरेशन का कोई लाइन नहीं है उनके पास, सेकंड जनरेशन का कोई नेतृत्व नहीं है, और शायद यही कारण है कि उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने के बावजूद उनको आगे आना पड़ा पार्टी को बचाने के लिए, और शायद वो एक अंतिम प्रयास कर रहे हैं पार्टी को बचाने के लिए। जी मनोज जी, सर मुझे ये बताइए, सर मेरा सवाल ये है कि ये तो अब जो भी फेरबदल होना था पार्टी में जदयू में वो तो हो चुका, दोबारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो ये तो तय है ना कि पार्टी के अंदर थोड़ी बहुत जो भी नाराजगी थी उनके रवैये को लेकर, ललन सिंह के रवैये को लेकर या उनके व्यवहार को लेकर, वो तो खत्म हो गई, तो पार्टी तो पहले से ज्यादा मजबूत हो गई, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव जो है 2024 पर तो जरूर पड़ेगा। देखिए सौरभ जी, ये जो जनता दल यू के अध्यक्ष हैं, आप हिस्ट्री उठा के देखिएगा, सबका यही हश्र हुआ है। जॉर्ज साहब को ले लीजिए, शरद जी को ले लीजिए, आरसीपी सिन्हा जी को ले लीजिए, ललन सिंह जी को ले लीजिए, जिनका जैसा कि इन्होंने बड़ा ऑनेस्ट कॉन्फेशन किए जदयू के प्रवक्ता जी कि नीतीशी पार्टी, नीतीशी का कानून, नीतीशी का सब कुछ, अगर आप किसी को काम करने का मौका ही नहीं दीजिएगा तो चिड़चिड़ा तो हो ही जाएगा ना। अब पार्टी ऑफिस में ऐसे खोजते हैं जाके जैसे किसी चपरासी को खोज रहे हो, पार्टी में कोई डिसीजन आप ले नहीं सकते। अभी आपने भी कहा कि अगर आप ये बन गए अध्यक्ष तो ज्यादा अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, तो आप किसी पे विश्वास ही नहीं करते। विश्वास का आलम ये है कि आप अपने गठबंधन पे भी विश्वास नहीं करते हैं, भाजपा से भी जो इन्होंने नाता तोड़ा था ऐसे ही किसी अफवाह के आधार पे तोड़ा था। अभी देखिए जो गठबंधन जो आरजेडी से तोड़ा, मनी लॉन्ड्रिंग का तेजस्वी यादव जी पे जो आरोप था उस आधार पे तोड़ा, वो आरोप चल ही रहा है, अभी ईडी का समन आया है। तो नीतीश जी की जो राजनीति है वो सेल्फ फोकस्ड है और उससे देश को प्रदेश को कोई भला होने वाला नहीं है, और जब भी उनको इनसिक्योरिटी लगती है वो पाला बदल लेते हैं और ऐसा मैसेज देने का कोशिश करते हैं जैसे कि नई सरकार। आज जो बिहार की हालत है आप तो मानिएगा, 35 साल के जो शासन अभी हुआ है इसमें लालू जी और नीतीश जी ही न्यूक्लियस रहे हैं, जो भी डिसीजन हुए हैं उनके ही द्वारा लिए गए हैं, और आज बिहार एक गाली का जो पर्याय बना है। रोज हम लोग रिएक्शन देते हैं, कभी कहीं से कोई बिहारी के बारे में कुछ बोल रहा है, कहीं किसी और स्टेट से बोल रहा है, और मजेदार बात है कि इनके एलआईजी बोल रहे हैं जो इनके साथ बैठे रहते हैं। तो ये हालत कैसे पहुंच गया है, और क्या जनता ये सब नहीं देख रहे हैं? आप इधर से उधर ऐसे ये सीट खोल के उस सीट पे बैठ जाइए तो चीजें थोड़ी बदल जाती है। तो अब जनता पूरी तरह से वाकिफ हो चुकी है कि ये सब नाटक 35 साल से चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज को समझ रही है, और अपने बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी 2024 और 25 का इलेक्शन लड़ेगी, और दोनों ही इलेक्शंस में एनडीए जो हमारा गठबंधन है वो बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। बाकी एनडीए जो अलायंस है वो अपनी पार्टी में ही द्वंद्व में बिजी है, थोड़ा बाहर निकलता है तो दूसरी पार्टियों से अंतर्द्वंद होता है, तो इनका फेट तो क्लियर है। अब देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ चीजों के लिए बिल्कुल जाने जाते हैं, जब वो जिसके साथ होते हैं, जिस भी अमुक गठबंधन के साथ होते हैं, वो उनका मन फिर वहां दूसरे वाले गठबंधन की तरफ ज्यादा लगने लग जाता है। और आज जो हुआ है, जो आज उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जो उन्होंने शब्द अब कहिए, जो बस एक औपचारिकता महज रह गई है, जो महज 5 बजे उनके नाम का ऐलान हो जाएगा, तो ये मेरे हिसाब से अपने लिए रिटायरमेंट प्लान को बेटर तरीके से नेगोशिएट करने की एक उनकी पहल है।
क्योंकि उनके हिसाब से ना तो उनकी इंडी गठबंधन में जो पॉलिटिकल पोजीशनिंग है उसके लिए ना तो उनके पूर्व के अध्यक्ष ललन सिंह जी ने कुछ किया, ना ही उनके बड़े भाई आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने उनके लिए कुछ किया। उन चीजों से मर्माहत आहत होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी कहिए जब बिहार लौटे हैं 3-4 बीटिंगों के बाद की असफलता के दौर के बाद से, तो उन्हें अपने रिटायरमेंट प्लान की चिंता हो रही है कि आगे उन्हें आखिर उनका भविष्य आगे क्या होगा। और एक बहुत पुरानी कहावत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर आप कोई पद ऑफर करते हैं तो पहले दूसरी कुर्सी तैयार रखिए। तो उनके लिए जब आप ये चाहते हैं कि अब वो मुख्यमंत्री पद जो है वो सौंप करके तेजस्वी यादव जी को आगे चले जाए, तो उनके लिए वहां आगे कोई कुर्सी रखी नहीं गई थी, ना ही तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की और ना ही तो एनडीए के संयोजक की, तो ये बात कीजिए एनडीए के संयोजक दल की। तो वही चीज है, इन्हीं कारणवश से माननीय मुख्यमंत्री जी अब अपने रिटायरमेंट प्लान को बेसिकली अपने हाथों नेगोशिएट करना चाहते हैं, और उन्होंने राष्ट्रीय अपने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद वापस से ग्रहण किया है। हाँ, ये दूसरी बात है, जैसा सौरभ भाई बता रहे थे कि कुछ वर्षों पहले उन्होंने इसी कारण से उस पद से इस्तीफा भी दिया था कि मैं मुख्यमंत्री रहते हुए एक पद पर रहकर मैंने एक संवैधानिक और एक अपना कहिए कि पार्टी का पद पे नहीं संभाल सकता, तो उन्होंने किया। और जैसा मैंने कहा कि जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद एक स्थापित पद हो चुका है, तो क्या पता माननीय मुख्यमंत्री जी के वापस से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से उस पे एक रोक लगे। लेकिन ये महज रिटायरमेंट प्लान के अलावा बेटर नेगोशिएशन के अलावा मुझे और कोई पॉलिटिकल इसमें आगे कुछ रीजनिंग लगती है। अरुण जी मयंक जी का कहना है कि एक गठबंधन में रहकर दूसरे गठबंधन में नीतीश कुमार को जाने का मन करता है, क्या कहना चाहेंगे आप अरुण जी? मयंक जी का कहना है कि एक गठबंधन में रहकर दूसरे गठबंधन में नीतीश कुमार को जाने का मन करता है, क्या कहेंगे आप? अरुण जी सुन पा रहे हैं आप? माइक म्यूट है आपकी। मुझे लग रहा है अरुण जी को सवाल पसंद नहीं आ रहा है। नहीं दे रहा हूँ म्यूट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ सवा जी, जी कहिए। क्या सवाल था? थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था सौरभ भाई, सवाल क्यों नहीं सवाल का जवाब एक गठबंधन में रहकर दूसरे गठबंधन में जाने का मन करता है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मयंक जी हो या मनोज जी हो, जो भी एनडीए के लोग हैं, चाहे राहुल जी हो, इन लोगों की तो बेचैनी समझ रहे हैं, सत्ता से बाहर हैं और छटपटा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो बुनियाद रखी है, जो बुनियाद रखी है उस बुनियाद से तो ये सारे लोग हिल चुके हैं। अब बिहार तो गया ही, अब 2024 में दिल्ली की कुर्सी भी जाने वाली है, तो लगातार हम लोग देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के मन में एक ही बात तो चल रहा है, भारत से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। ये जो केंद्र में बैठी जन विरोधी सरकार है, लोकतंत्र विरोधी सरकार है, जिसको जन सरोकार के सवालों से कोई मतलब नहीं है, ऐसी सरकार को जल्द से जल्द हटाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संकल्प ले रखा है, और उन संकल्पों के साथ आगे लगातार बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं सारे चीज तो आपके सामने है, अब जो भी आपके सामने आ रहा है सारा का सारा इंडिया गठबंधन की मजबूती को लेकर, वो अपने संगठन को और धारदार और जो है कि उनके वर्कर में किस तरीके से नया जोश भरा जाए, सारा काम वो कर रहे हैं। और बिहार में भी आप देख रहे हैं नीतीश जी और तेजस्वी जी की जो जोड़ी है, लगातार एक से एक नए काम कर रहे हैं, नौजवानों को नौकरियां दे रहे हैं, लगातार वैकेंसियों की बहार है, नौकरियों की बहार है, जाति आधारित जनगणना कराने का काम किया, सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद। एक छोटा सा सवाल है, इनसे ये पूछना था कि बस एक ही इनको सलाह देनी थी कि दुआ कीजिए कहीं 5 जनवरी के बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो चर्चित अंतरात्मा है वो ना जाग जाए। चलिए मयंक जी मैं सब लोग से आग्रह करूंगा कि समय की कमी है, इसीलिए मेरा जो सवाल होगा उसका जो जवाब है वो थोड़ा कम समय में दें आप लोग। अभिषेक जी,
पहला सवाल आप ही से है, क्या ये समझा जाए कि आज जो हुआ वो टेलर था, पूरी फिल्म जो है वो बाकी है जो अगले कुछ दिनों में बिहार के दर्शकों को या देश के दर्शकों को देखने को मिलेगी? देखिए ये तो 5 बजे अभी कॉन्फ्रेंस होना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप 1-to-1 करके सारा कुछ आप लोग को पता चल जाएगा ही, और हम लोग तो देखते ही रहते हैं न्यूज 24 के माध्यम से भी, अभी लगातार देख रहे थे कि जिस तरह से आप लोगों ने खबर चला रहे थे, तो वहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को भी, तो देखिए 5 बजे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और किस तरह से हम लोगों को भी कैसे कैसे कार्यकर्ताओं के लिए भी क्या संदेश है, हम लोग को भी, हम लोग का भी नजर 5 बजे है कि हम लोग 5 बजे जी बिल्कुल देखते बिल्कुल, बिल्कुल। जी, और उसके बाद लगातार जी मनोज जी सर क्या लगता है ये महज आज जो घटना घटी ये महज एक ट्रेलर था, पूरी फिल्म बाकी है? जरूरी पूरी फिल्म बाकी है, नीतीश जी कोई काम आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं, अगर अध्यक्ष को हटाए हैं तो बहुत सी बातें होंगी उसके साथ भी जुड़ी हुई, कारण तो कुछ जरूर होगा जिस कारण से उन्होंने हटाया है, तो वो कारण का निवारण भी तो वही करेंगे, तो वो आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि क्या कारण था और उस पर उन्होंने क्या एक्शन लिया है, हम लोग की पूरी शुभकामना जरूर के साथ। चलिए राहुल जी सेम सवाल आपसे, देखिए बहुत जल्द आपको कुछ अलग तरीके के फैसले आपको दिखाई पड़ेंगे बिहार के अंदर भी, पार्टी के संगठन के अंदर भी, और मैं दुआ करूंगा कि नीतीश कुमार जी इस पार्टी को बचा लें, मुझे लगता है कि 2024 में सबसे बड़ी उपलब्धि जो जदयू के लिए होगी वो यही कि नीतीश कुमार जी इस पार्टी को बचा लें और सेकेंड जनरेशन के लीडरशिप को लेकर के कुछ प्लान करें, तो शायद आने वाले दिनों में नीतीश कुमार जी बेहतर राजनीति की दिशा में शायद कुछ कदम उठा पाएंगे। चलिए मैं जी सवाल वही है कि क्या आज जो घटना घटी ये ट्रेलर था, पूरी फिल्म एक 8-10 दिन 1 महीने के अंदर दिखाई देगी? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी का आज का जो राजनीतिक जो कदम है वो आगे चल के भविष्य में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के साथ खुशी का द्वार खोलने जा रहा है, जिसकी वानगी हम आप ये कम देख पा रहे हैं जितनी राजनीतिक समझ हमारी है, और रही बात उनके तो एक रिटायरमेंट स्टेशन है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ये पहल है, अब उन्होंने कहीं ना कहीं अब ये एक तरीके से अपने जिसको कहा जाता ना कि उन्होंने अपने राजनीतिक बूट टांग दिए हैं, उन्हें पता है कि उनकी राजनीतिक पारी अब समाप्ति की ओर है, तो क्योंकि अब ना इंडी गठबंधन में वैसा कुछ बनता उनकी बात बनती दिख पा रही है, ना इंडिया में कुछ वैसा उन्हें अपना बहुत ज्यादा भविष्य दिख रहा है कि सक्रिय राजनीति वाला, तो ये मेरे हिसाब से जो है वो बेहतर उनका राजनीतिक कही विदाई है, और मुझे मेरी तरफ से शुभकामनाएं है माननीय मुख्यमंत्री को, यकीनन आपके सवाल का वही जवाब है कि पूरी पिक्चर अभी बाकी है। जी शाबाश जी, लास्ट सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी सौरभ जी, आपको क्या लगता है असल सच्चाई क्या है ललन सिंह के इस्तीफे के पीछे? ये बिल्कुल, अगर ललन सिंह की विदाई हुई है तो नाराजगी ही सबसे बड़ी जो वजह थी, नाराजगी थी क्योंकि मुख्यमंत्री नाराज चल रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से, और केवल मुख्यमंत्री नहीं कई नेता और कार्यकर्ता भी नाराज थे, जो उनका रवैया था, जो व्यवहार था उनका, या जिस तरीके से वो कार्यकर्ता और नेता से मिलते थे वो कहीं ना कहीं एक टीस पैदा करती थी, कार्यकर्ता काफी दूर से पूरे राज्य भर में अगर वो पटना कार्यालय पहुंचते हैं अगर उनसे अच्छे से बातचीत ना हो तो कहीं ना कहीं एक परेशानी होती है, लोगों में एक गुस्सा आता है, एक नाराजगी आती है, तो निश्चित रूप से 2024 का जो चुनाव है ये नीतीश कुमार के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और कई मैंने पहले ही बताया कि जब नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और जब वो अपने सांसदों से उन्होंने मुलाकात की तो मेरी जो जानकारी है कि कई सांसद उनको उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि पार्टी का जो बागडोर है, जो कमान है, वो दोबारा आप अपने हाथों में ले लीजिए, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार भांप गए थे कि ललन सिंह को लेकर पार्टी के नेताओं के अंदर एक नाराजगी है, एक गुस्सा है, और समय रहते नीतीश कुमार ने फैसला लिया है, अब वो दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, और निश्चित रूप से जदयू के अंदर एक खुशी है, एक उत्साह है, और शायद इसी वजह से आज पार्टी कार्यालय में जश्न भी मनाया जा रहा है,
आगे क्या होगा, नहीं होगा, क्या नीतीश कुमार गठबंधन बदलेंगे, क्या नीतीश कुमार एनडीए के तरफ जाएंगे, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब केवल और केवल नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल आपने देखा कि बिहार में उलटफेर हुआ है, कोई इसे रणनीति बता रहा है तो कोई महज इसे एक छोटा सा बदलाव बता रहा है, हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि असल में क्या हुआ है। लेकिन खबरें ये भी आ रही है कि दोनों के बीच में नाराजगी है। दरअसल शुरू से न्यूज 24 की तरफ से ये खबर दिखाई जा रही थी कि ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन इस बात को इनकार किया जा रहा था, इसे महज अफवाह बताया जा रहा था, लेकिन न्यूज 24 की इस खबर पर मुहर लग गई और ये बात सच साबित हुई। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24 बिहार झारखंड।